तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा सेल्डेमैन थ्रोन के अपकमिंग एपिसोड के प्रीव्यू को। सो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, सायर और हाउचेन अपने स्किल का इस्तेमाल करते हुए दोनों डेमन्स को खत्म कर देते हैं। दूसरी तरफ वो दोनों डेमन्स अपने आखिरी वक्त में भी समझ नहीं पाते आखिर वो दोनों मरे कैसे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो दोनों डेमन्स इन दोनों इंसानों को चौंकाते हुए उन दोनों को खत्म कर देंगे, लेकिन हाउचेन और सायर ने उन्हें बेवकूफ बना दिया। दूसरी तरफ सेरिसेन एक पॉइजन से इन्फेक्टेड हो गई थी, लेकिन सही समय पर आइस पपेट ने उसे बचा लिया, जिसके दौरान आइस पपेट ने सेरिसेन और विजन को भड़का दिया, जिस वजह से वो दोनों काफी गुस्से में आ चुकी थी। अब इस कारण से उन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उनसे भी पॉइजन डीमन को खत्म कर दिया। दूसरी तरफ फेंग और फायर पपेट मिलकर एक डीमन को हराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस डीमन की पावर काफी ज्यादा होती है, जिस वजह से फायर पपेट अपने असुर असल अटैक का इस्तेमाल करते हुए उस डीमन को खत्म कर दिया। अब उस डीमन को खत्म करने के बाद वो दोनों काफी खुश हो चुके थे। अब कुछ समय के अंदर हाउचेन के सभी दोस्त एक जगह मिलते हैं, जहाँ पर हाउचेन सभी से कहता है हमारा ये मिशन कम्प्लीट हो चुका है, लेकिन अब हमें अगले मिशन पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि अगला मिशन काफी खतरनाक होने वाला है। इसके साथ साथ हम जहाँ जाने वाले हैं वहाँ पर काफी सारे डीमन हंटिंग कैंप के लोग भी फंसे हुए हैं, जिस कारण से हमें उन्हें भी रेस्क्यू करवाना होगा, और ये मिशन हमारे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। इनफैक्ट इसके आगे के जो भी मिशन है वो भी बिल्कुल आसान नहीं होंगे, जिस वजह से तुम सभी सावधान रहना क्योंकि यहाँ पर हर कदम के साथ खतरा बढ़ते जाएगा। अब इसके आगे से प्रीव्यू की स्टार्टिंग होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि हाउचेन अपने सभी टीममेट के साथ आगे की तरफ बढ़ रहा था। अभी के समय वो किसी वजह से उड़ते हुए नहीं जा रहे थे, जिस वजह से हाउचेन और उसकी टीममेट स्केटबोर्ड के माध्यम से आगे की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तभी कुछ डिमोनिक मछलियों ने बदरली पे हमला कर दिया। अब इस वजह से बदरली काफी परेशान हो चुके थे, जिस वजह से वो हाउचेन से मदद मांगते हैं। बदरली की ऐसी हालत को देखकर हाउचेन भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो चुका था, जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर सीमा से आन पे आ गया, जो कि अभी के समय जितना हो सके उतने तेज भागने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसके पीछे काफी सारे पक्षी पड़े हुए थे, जिस कारण से वो परेशान होते हुए उनसे भी कहते हैं आखिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे लोग भी हैं जिसके पीछे तुम जा सकते हो, लेकिन फिर भी तुम सभी को मेरे पीछे क्यों आना है। ये कहते हुए सीमा से आन लगातार आगे की तरफ बढ़ रहे थे, जिस वजह से हाउचेन उससे बताता है कि ये पक्षी लाइट को देखकर अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि अभी के समय सूर्य की किरणें सीधा तुम्हारे सर पे पड़ रही है, जिस वजह से तुम्हारा सर चमक रहा है, क्योंकि अभी के समय तुम टकले हो, जिस वजह से ये पक्षी तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। अब इन शोर शराबा की वजह से वहाँ की जो किंग थी वो जाग जाती है, जिस वजह से हाउचेन अपने सभी दोस्तों से कहता है यहाँ से जल्द से जल्द यहाँ से निकल लो, क्योंकि इन सभी का जो किंग है वो जाग चुका है, जिस वजह से जल्द से जल्द हमें यहाँ से निकलना होगा। अब उसकी ये कहती वहाँ पर एक काफी विशाल मछली आ गई थी, अभी ये देखते ही सभी लोग वहाँ से हट जाते हैं, लेकिन सीमा सियान को हटने का मौका नहीं मिलता, जिस वजह से हाउचेन उससे आवाज देते हुए उससे कहता है जल्दी वहाँ से हटो। उसने ये कहा ही था उस समय उस किंग ने एक पावरफुल हमला सीमा सियान पे कर दिया, ताकि इस तरीके से वो सीमा सियान को मौत के घाट उतार सके। अब सीमा सियान अपनी जगह से हट पाता उससे पहले हमारा सीन शिफ्ट होकर हाउचेन पे आ गया, जो कि अभी के समय पानी में था। हाउचेन अपने मन में कहता है सायर आखिर तुम कहाँ पर हो, तुम अपने आप को कुछ समय के लिए संभाले रखना क्योंकि मैं तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे पास बहुत जल्द आऊंगा। दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होकर ब्रदरली पे आ जाता है, जो कि अभी के समय काफी डरे हुए लग रहे थे। ब्रदरली आगे की तरफ चलते हुए कहते हैं टकले इंसान कैसा होगा अगर हम अपने हाथों में हाथ डालकर आगे की तरफ बढ़े, क्योंकि अभी के समय यहाँ पर काफी खतरा मौजूद है, जिस वजह से हम दोनों को साथ में रहना होगा। उसकी इतना कहती हमारा सीन शिफ्ट होकर उसके पीछे आ गया, जहाँ पर हम देखते हैं सीमा सियान तो नहीं लेकिन वहाँ पर कोई डीमन जरूर था। दूसरी तरफ फेंग काफी सारे बेलों से लड़ रहा था, लेकिन उससे लड़ने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी। तभी उसके सामने से एक आवाज आती है, उससे कहते हैं मैंने काफी समय से तुम्हारे जैसा खाना नहीं देखा, तुम देखने में तो काफी अच्छे लग रहे हो, लेकिन जब तक मैं तुम्हें खाऊंगी नहीं जब तक मुझे नहीं पता चलेगा आखिर तुम कैसे हो। ये कहते हुए वो चीज काफी हंस रही थी। कुछ समय के अंदर उसने फेंग के साथ ब्रदरली और हाउचेन को भी बंदी बना लिया था, जिस वजह से ब्रदरली की तो हालत खराब हो गई थी। ब्रदरली हाउचेन से कहता है कैप्टन मेरी मदद करो नहीं तो मैं आज इसके मुंह में जाकर इसका भोजन बन जाऊंगा, लेकिन उसने जैसे ही इन शब्दों को कहा उसी समय उस बेल ने उस सबसे पहले उसी को खाना शुरू कर दिया, ताकि इस तरीके से वो ब्रदरली को खा सके। अब ये देखते ही ब्रदरली की हालत और भी खराब हो गई थी, वो अपने मन में कहता है लगता है आज मेरा आखिरी दिन होगा। अब प्रीव्यू के आखिरी सीन में हम सायर को देखते हैं, जो कि काफी आराम से चलते हुए आगे की तरफ बढ़ रही थी। अब इसी सीन को दिखाते हुए हमारा ये प्रीव्यू यहाँ पर एंड होता है। अब अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। तो फिर मैं मिलता हूं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब अगर आपने मेरे नई सीरीज को नहीं देखा तो आप एंड स्क्रीन पर क्लिक करके देख सकते हो।